राजधानी दिल्ली में जहां एक ओर गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस चिलचिलाती गर्मी में भी पानी की समस्या आम बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आलम यह हो गया है कि अब लोग पानी की समस्या के कारण सड़कों पर उतरकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के रानीखेड़ा में देखने को मिला, जहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने अपना गुस्सा दिखाया और क्षेत्र में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने स्थानीय विधायक और दिल्ली सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क पर यातायात व्यवस्था भी बाधित हुई, जिसके लिए पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार भले ही फ्री पानी देने का दावा करती है, लेकिन लोगों को पानी नसीब ही नहीं हो रहा। लोगों ने कहा कि यहां लोगों को पिछले करीब एक महीने से पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि पानी लोगों की मूलभूत जरूरत है, अगर दिल्ली सरकार वो भी नहीं दे सकती तो दिल्ली वासियों का क्या होगा। करने के लिए किया गया था क्योंकि पानी घरों में नहीं आ रहा है लोगों के। रानीखेड़ा, बागे विहार, मदनपुर पास, रसूलपुर, क्योंकि केजरीवाल 24 घंटे का वादा करते हैं, 24 घंटे में 2 घंटे तो दे दो जनता को पानी। हम तो 2 घंटे ही बोल रहे हैं, ज़्यादा की नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं पानी। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। लंदन पेरिस वाला वो बता रहे हैं दिल्ली को, लंदन पेरिस भी नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई है, पानी ये इतनी किल्लत हो गई है, टैंकर भी लेने के लिए जाते हैं तो टैंकर भी नहीं मिलता लोगों को। कितने समय से समस्या है पानी? पानी की एक महीने से समस्या आई हुई है। अभी प्रदर्शन करने पे दिल्ली सरकार ने धर्मपाल लाकड़ा जो यहाँ के विधायक हैं उसने मजबूर किया हुआ है। पिछले 1-1.5 महीने से तो पानी आ ही नहीं रहा है, उससे पहले भी लगातार जो पानी आता था वो इस प्रकार से उसकी गुणवत्ता ये थी कि उससे हाथ धोना पॉसिबल नहीं था, पीना तो बहुत बड़ी बात है। मांग तो यही है कि एक तरफ केजरीवाल साहब बात करते हैं फ्री पानी की, 24 घंटे नल से जल की, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। आज भाग्य विहार हो, रानीखेड़ा गांव हो, रसूलपुर गांव हो, घेवरा हो, शिव विहार कॉलोनी हो, रामा विहार हो, जैन नगर हो, आप जहां चले जाएं पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं है। अच्छा पानी, पीने लायक पानी उपलब्ध नहीं है। और अभी 1-1.5 महीने से तो नल में वो परेश रावल की एक मूवी देखी होगी आपने कि एक नल अलग से लगाऊंगा सूखे पानी का जिसमें पानी आएगा नहीं, वो वाली टूटी लगवा दी केजरीवाल साहब ने, वो नल में पानी नहीं आता, वो पीने लायक नहीं था। हम तड़प रहे पानी के लिए 15 दिन से समस्या। पहले तो बराबर दिन में आता था एक बार, एक आध घंटे के लिए, अब बिल्कुल ही बंद है। बहरहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में हर बार गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत देखने को मिल ही जाती है। भले ही दिल्ली सरकार लोगों तक मुफ्त पानी पहुंचाने का दावा करती हो, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना ही पड़ता है। शायद इसी का परिणाम रहा कि अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया और स्थानीय निवासियों ने मजबूरन सड़क पर उतरकर पानी की समस्या को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए आगे क्या कदम उठाती हैं, ताकि हर दिल्ली वासियों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।